अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल की अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, वंस अगेन आप लोगों को, हमारे देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रमज़ान के रोज़े खैर वाफ़ी से गुजर रहे होंगे और आप लोग इबादत कर रहे होंगे, सदका खैरात कर रहे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आप लोगों के लिए दुआगो है। तो आज हम लोगों ने, क्योंकि अब सहरी का टाइम हो चुका है, तो हम लोग बाज़ार से भी सहरी लेकर आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर पूड़ियाँ, हलवा और सलाद, चने और ये नान चने उगवाए थे हम लोगों ने। तो अब हम लोग सहरी कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी सी वीडियो जो उनसे हमारी सहरी की रूटीन है, हम लोग अपने जो उनसे देखने वाले व्यूवर्स उनके साथ हम लोग शेयर करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे साथ अपने जो उनसे रमज़ान के रोज़ों का एक्सपीरियंस है, मतलब जो आप लोगों के वेदर है और कैसा है वहाँ पर आप लोगों के साथ, मतलब जो भी है कि आप लोगों के रोज़े आप लोगों को लग रहे हैं या नहीं लग रहे, वो हमारे साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से भी ज़रा पूछ लेते हैं कि मम्मा भी ज़रा आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों? आपको रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन, आमीन। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी रोज़े रखने की तौफीक दे और हमारे रोज़े कबूल भी करें, कबूल भी करें, हमारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ करें, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें नवाजे, रंग बिरंगे खाने अल्लाह ताला सबको दे खाने के लिए, सबके दस्तरखान अल्लाह से जाए रखे, सबके दस्तरखान। आज हम बच्चे बाजार से लेके आए थे, कहने लगे बाजार की इफ्तारी करनी है, रोजाना खा सहरी सहरी करनी है, सहरी सॉरी सहरी के मतलब अभी तक मम्मा इफ्तारी के जुनून से बाहर नहीं निकले। रोजाना इफ्तारी का होता ना ये वो ही मुंह से निकल जाता है। कोई नहीं, हमारे प्रेमी आन भाई हैं, कोई बात नहीं, जुबान ही बड़े बड़े छोटी छोटी बातें होती रहती है, होती रहती है। तो मैंने कहा चलो, बच्चे कहते हैं सहरी आज बाजार की खानी है, हमने घर की नहीं खानी कोई चीज। वैसे तो मतलब वही देसी घी के पराठे, सालन, दही, लस्सी, चाय, वही सब कुछ होता है। पूड़ियाँ भी मिल गई हैं, सास लाद भी आ गई, हलवा भी, और गर्म है माशाल्लाह, ये देखे काफी। तो वो अब बच्चे कहते नान भी लेके आए, नान भी, हर चीज इधर मिल जाती है। शहर जो है तो लोग खरीदते हैं, खाते हैं, तो बच्चे कहने लगे चले हैं शेयर करते हैं आपके साथ भी, हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट्स देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपनी सपोर्ट देते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हाँ, मेरे अपने बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब करने से कोई मसला नहीं बनता, आप हमें एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, एक सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी रमजान के किने के समय के कर दें, जरूर करा करें, अपने बहन भाइयों से करवाया करें, इसकी बरकत से हमें ना रमजान की बरकत से हम तरक्की भी जल्दी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जब भी अपने चैनल का आगाज किया था, चैनल को हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो भी रमजान का महीना था, क्योंकि अब 10 दिन तो पीछे आ गए हैं रोजे, और मतलब हमारे चैनल की जो सी एनिवर्सरी है वो भी गुजर गई है, तो वो भी आप लोगों ने हमें अपने जो से कमेंट्स दिए, हमें मतलब आप लोगों ने विशेष दिए, वो भी हमें मिल गई थी। तो अब हम लोग सहरी को शुरू करें, कहा ना चले आप एक कर दिया करें, उससे हमें फायदा ही है। बिल्कुल, आखिर आप लोग हमारे बहन भाई इतना सपोर्ट, इतनी सपोर्ट तो बनती है आप लोग, हमारी वीडियो देखते रहा करें, और पूरी देखा करें वीडियो को, मतलब स्किप ना किया करें। फिर जो से मतलब कुछ लोग हमें पूछते हैं कि आपने क्या डाला था, किस तरह डाला था, कितना डाला था, तो वो भी फिर जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। आप देखते हैं हमें बहुत खुशी होती है वीडियो देखने से। मम्मा, आप खुशबू सुन खाई जाएंगे, मजेदार मजेदार चीज होगी कि अब हमें खिलाएंगे भी आप। डालने लगे बेटा, अबे मौलवी साहब ने कह दिया ना, हजरत इतना टाइम रह गया, हजरत जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, हमें याद रखें। तो फिर अब मतलब आप खा के टेस्ट करके बताएंगे कि हम अपने व्यूअर से इजाजत ले लें? चलो इजाजत ले लो, जाने भी होने वाली है, थोड़ा हाँ टाइम तो थोड़ा रह गया, क्योंकि पहले हम लोग गए थे बाजार, वहाँ पे हमें टाइम लग गया लेके आने में, तो अब वीडियो भी बनानी थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो व्यूअर्स, जब आप लोग जा जाते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।